पिछले पीरियड में इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जो है हिपी हिप्पस तक पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे मीजो हिप्पस को। मीजो हिप्पस जो था वो 24 से 32 मिलियन यानी 32 मिलियन साल से लेकर के 24 मिलियन साल पहले तक के हमको ये मिलता है। तो इस समय जो स्थिति थी अमेरिका की जो जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो धीरे धीरे नम से सूखी होती जा रही थी, शुष्क होती जा रही थी क्लाइमेटिक कंडीशन। और इसमें जो वो थी जो ग्रासेस जो थी स्पेशली जो पोएसी जो ग्रुप था है ना, पोएसी फैमिली की जो ग्रासेस थी वो इवॉल्व हो रही थी। दूसरी बात ये थी कि वहां पर जो बड़े बड़े जो उसके ब्रायोफाइट्स के जो जंगल थे वो कम हो रहे थे और मैदानों की संख्या बढ़ रही थी। ठीक है, तो इसके कारण से क्या हो रहा था कि जो मैदान बढ़ने के कारण, भूमि कठोर होने के कारण और ब्रायोफाइट्स कम होने के कारण ये जो भूमि की जो मिट्टी की जो स्थिति थी यानी ग्राउंड की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी ज्यादा कठिन होती जा रही थी। ठीक है, मीजो हिप्पस हमको ऐसा दिख रहा है जो कि अब थोड़ा सा कैसा है, छोटे छोटे जो खच्चर होते हैं, गधे गधे जैसा दिखाई दे रहा है, गधे से छोटे आकार का होता था ये। आगे हम देखते हैं मीजो हिप्पस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये लगभग 40 मिलियन ईयर साल पहले था, इसको मिडिल हॉर्स कहा जाता है। ठीक है, हमने इयो हिप्पस को क्या कहा था, डॉन हॉर्स कहा था, हायरेकोथेरियम को। ये जो जो है मीजो हिप्पस जो है ये मिडिल हॉर्स कहलाता है और ये पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, इसकी जो प्रजातियां थी मीजो हिप्पस सेलर और मीजो हिप्पस वेस्टोनी, ये दो प्रजातियां इसमें थी। इयोसीन काल में इसमें इसके जो टीथ जो थे वो ज्यादा मजबूत थे क्योंकि अब उसको मतलब गीली मतलब पत्तियों जो थी ऐसी पत्तियां जो कि मुलायम पत्तियों से ज्यादा उसको कठोर घास खानी पड़ रही थी। ठीक है, तो उसके दांत जो थे वो क्या हो रहे थे, वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे और ज्यादा टफ हो रहे थे। दूसरी चीज इसमें एक बात की, उसके ओपन एरिया उसको ज्यादा मिल रहा था। पहले क्या था कि ओपन एरिया कम था, यानी कि उसमें उस समय में जंगल ज्यादा थे। अब जंगल कम होकर के यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो घासें थी, घास के मैदान यहाँ पर थे, तो ओपन एरिया अधिक होने के कारण ये फास्ट दौड़ने लगा था। ठीक है, और ये तीन, ये इसकी दोनों जो पहली और पांचवी जो उंगलियां थी वो विलुप्त हो गई थी। इसमें से जो फ्रंट जो फोर लिम जो था, फोर लिम में तीन उंगलियां बची थी। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट और फिफ्थ जो थी वो खत्म हो गई थी और वो उसके लिए मतलब रिड्यूस हो गई थी और जो चलने के लिए काम नहीं आ रही थी। जो थर्ड उंगली जो थी यानी कि ये वाली जो उंगली थी, ये उंगली जो थी उसकी इस प्रकार से यानी पैर की तीसरी उंगली जो थी वो क्या हो रही थी, उसके ज्यादा टफ और मतलब मजबूत होती जा रही थी और शरीर का सारा भार इसके ऊपर आता जा रहा था। ठीक है, तो ये और ये जो था मीजो हिप्पस जो था ये अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक फास्ट और अधिक फुर्तीला था। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर, ये देखो जैसा कि चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर चित्र में यहाँ दिख रहा है कि जो तीसरी उंगली जो थी वो अधिक लंबी होती चली जा रही है। ये फोर लिम की है, ये हाइंड लिम की है। ठीक है, इसमें फोर लिम में पहली उंगली तो पूरी तरह से विलुप्त हो ही चुकी है, दूसरी चौथी और पांचवी जो थी वो छोटी होती चली जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। और हाइंड लिम में तो पहली और पांचवी पूरी तरह से विलुप्त हो गई है और दूसरी और चौथी छोटी और रिड्यूस होती चली जा रही है, बड़ी जो तीसरी वाली जो थी वो ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है। ठीक है, इसका जो आकार था ये लगभग 24 इंच यानी 2 फीट आकार का था, हाइट जो थी उसकी 2 फीट के आसपास थी और इसकी जो पीठ जो थी वो ज्यादा आर्च थी, ये ज्यादा आर्च थी ताकि उसको दौड़ने में आसानी हो। ठीक है, इसका जो वो था स्नाउट जो था, सामने मुंह जो था वो ऐसा सामने की तरफ काफी लंबा हो गया था और इसकी जो गर्दन जो थी वो भी लंबी हो गई थी। ठीक है, इसका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर था वो अधिक बड़ा था दूसरे अन्य की तुलना में, यानी कि ये अधिक बुद्धिमान था।
ठीक है। और इसकी जो स्कल थी, ये आधुनिक जो आधुनिक घोड़ा है उसमें जैसे फोसा पाई जाती है, उसी प्रकार से इसकी स्कल में फोसा बनने लगी थी। ठीक है, इसमें जो जो वो थे ग्राइंडिंग टीथ जो थे, यानी चीक टीथ यानी कि मोलर और प्रीमोलर जो थे, उनकी संख्या 6 थी। ठीक है, और मतलब जो मोलर थे उनकी संख्या 6 थी। इसमें इसके जो टीथ जो थे, मतलब मोलर और प्रीमोलर के जो जो वो थे क्राउन जो थे, वो बहुत ज्यादा शार्प थे, यानी कि ग्राइंड करने के लिए जो टफ वेजिटेशन थे, जो कड़ी घास जो थी उसको ये अधिक आसानी से पीस सकते थे, चबा सकते थे। ठीक है, ये थे कौन से, मीजोहिप्पस। इसके पश्चात आते हैं पैराहिप्पस पे। पैराहिप्पस जो है ये कह सकते हो कि जो मॉडर्न हॉर्स, ज़ेब्रा और गधा, इनका ये नियर रिलेटिव था और ये इनका सीधे डायरेक्ट एंसेस्टर था इनका। ठीक है, ये मायोहिप्पस से थोड़ा ज्यादा बड़ा था पैराहिप्पस। ये लगभग 20 लाख साल पहले था, मायोसिन पीरियड में 20 लाख साल पहले था। और मायोहिप्पस जो था, तो पैराहिप्पस जो था मायोहिप्पस से थोड़ा बड़ा था। इसके पैर लंबे थे, फेस इसका बड़ा हो गया था, लंबा हो गया था, यानी कि इसका जो वो था स्नाउट जो था वो ज्यादा लंबा हो गया था। और इसकी जो वो थी पैर की उंगलियां जो थी वो ज्यादा फ्यूज हो गई थी। ये बहुत इनकी तुलना में अपने जो पूर्वज थे पीपीहिप्पस पर वो था मीजोहिप्पस की तुलना में ज्यादा तेजी से ये दौड़ सकता था। ठीक है, इसमें एक खास बात ये थी कि इसमें जो वो थी ये जो था मतलब पैराहिप्पस जो था वो इसका जो मिडिल टो था, मिडिल टो यानी कि इसका जो ये इसका मिडिल टो यानी कि इसका जो मध्य की जो उंगली थी, तीसरी उंगली जो थी वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और पूरा शरीर का भार जो था वो एक उंगली पर आ गया था। एक उंगली यानी कि किस पे, जो इसके जो तीसरी उंगली जो थी दोनों पैरों की, मतलब फोर लिम की और हाइंड लिम की। और इसके पैड जो थे, हमने जैसे इसमें ईओहिप्पस में देखा था कि यहाँ पर मस्कुलर पैड होते थे, ये पैड समाप्त हो गए और ये उंगलियों पे तेजी से दौड़ने लगा था। ठीक है, तो इसको चोट लगने की संभावनाएं कम हो गई थी, इसलिए ये ज्यादा फास्ट हो गया था दूसरों से। ये जो था घास की तुलना में, ये जो वो था मतलब घास पत्तियों की तुलना में ये घास अधिक खाने लगा था, क्योंकि उस समय पत्तियां कम होने लगी थी। ठीक है, जो खासकर जो वहाँ का जो वो था प्रेरी, जो वहाँ का जो घास के मैदान थे प्रेरी, उन मैदानों में ये बहुत तेजी से आगे बढ़े। ठीक है, इसको ये कह सकते हो कि पैराहिप्पस का सीधा विकास जो हुआ था वो मायोहिप्पस से हुआ था। ठीक है, इसमें जो मोलर्स थे वो हाई क्राउन वाले थे और उनके जो जो क्राउन जो था यानी उसका जो क्रेस्ट जो था वो अधिक तीखा था, जो घास को चबाने के लिए पीसने के लिए ज्यादा मजबूत था, ये ज्यादा डेवलप हो गया था। ठीक है, ये देखते हैं हम यहाँ पर, ये इस प्रकार से। अब यहाँ तुम देखो, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई उंगलियां नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर केवल थर्ड टो जो थी, पूरा का पूरा शरीर का भार जो था वो थर्ड टो पर आ गया था। ठीक है, तीसरी उंगली पे आ गया था और इसका आकार जो था ये काफी बड़ा भी हो गया था, यानी आजकल के घोड़े के समान, छोटे घोड़े के समान दिखने लगा था। इसका जो ये था स्नाउट जो था वो काफी लंबा हो गया था। ठीक है, और इसके यहाँ पर ये फोसा पाई जा रही थी। ठीक है, इसके बाद आता है मेरिकिप्पस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मेरिकिप्पस। ये मेरिकिप्पस जो था ये कह सकते हो प्रोटो हॉर्स था, यानी वर्तमान जो हॉर्स हैं इनका ये प्रोटोटाइप था, इससे पहले वाला ठीक हॉर्स था। ये 15 यानी 16 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन साल पहले, यानी 55 लाख साल पहले, ठीक है, 1.60 करोड़ साल से लेकर के 53 लाख साल पहले तक ये पाया गया था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में मायोसिन पीरियड में मेरिकिप्पस। ठीक है, या ये कह सकते हो कि ये पहला हॉर्स था जो कि ग्रेजर था, इससे पहले जो हॉर्स थे वो ब्राउजर थे। ठीक है, ब्राउजर और ग्रेजर का फर्क क्या है, ब्राउजर का मतलब पत्ती खाने वाले, ग्रेजर का मतलब घास खाने वाले। तो ये जो अभी तक जो था ये इससे पहले वाले जो
जो हॉर्स थे वो मिले जुले थे, ब्राउजर थे, थोड़े ग्रेजर होने लगे थे, पैराहिपस तक से ग्रेजर होने लगे थे, लेकिन मेरी किपस जो था वो पहला हॉर्स था जो कम्प्लीटली दैट वॉज कम्प्लीटली ग्रेजर। ठीक है, इसकी हाइट भी काफी बड़ी हो गई थी, यानी लगभग 1 मीटर ऊंचा हो गया था, ये 89 सेंटीमीटर या लगभग 1 मीटर ऊंचा हो गया था। ठीक है, और इसका जो वो था जो स्नाउट जो था ये काफी लंबा था, जबड़े गहरे थे, आंखें इसकी जो थी वो ज्यादा एक दूसरे से दूरी पे चली गई थी। और इसका जो ब्रेन था वो दूसरे इसके जो पूर्वज थे उनसे ज्यादा बड़ा हो गया था। ठीक है, इसका ब्रेन दूसरों से ज्यादा बड़ा हो गया था और ये ज्यादा मतलब होशियार होने के साथ साथ ये ज्यादा चपल और फुर्तीला भी था। ठीक है, बीच में एक हिपेरियन है जो इसके बाद बताऊंगा मैं। मेरी किपस जो था ये कह सकते हो कि ये भी जो वर्तमान जो हॉर्स है लगभग इनके जैसा दिखने लगा था। और इसके जो वो थे हूफ्स जो थे, हूफ्स और टीथ, ठीक है, इसके हूफ्स यानी कि इसके जो पैर के जो खुर थे और इसके जो टीथ थे वो वर्तमान घोड़े के समान डेवलप होने लगे थे। ठीक है, और इसमें जो फुट जो था, इसका पैर जो था उसमें लिगामेंट काफी मजबूत हो गए थे और इसके जो पैर के जो पैड थे, जो मस्कुलर पैड थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। ठीक है, साइड टो पूरी तरह से इसमें समाप्त हो गए थे। ये स्पेशली जो इसका भोजन जो था वो पूरी तरह से किसके ऊपर आ गया था, ग्रास जो थी, मतलब इसके जो भोजन जो था वो पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर था, घास के ऊपर। देखो इसका चित्र देखो, ये यहाँ पर मेरी किपस ये दिखाई दे रहा है। इसके जो क्राउन जो थे वो ज्यादा शार्प हो गए थे, मतलब टीथ के जो क्राउन थे ये ज्यादा शार्प हो गए थे। ठीक है, ये अभी हम कह सकते हैं कि जो गधे जो है ना, गधे या जेबरा, उसके आकार का लगभग घोड़े से थोड़ा छोटा ही था, 1 मीटर हाइट का था। अभी तब तो लगभग 1.5 मीटर 1.5-2 मीटर तक की हाइट के हो गए हैं घोड़े, लेकिन ये जो घोड़ा था ये उस समय थोड़ा कम था हाइट का, स्नाउट इसके लंबे होने लगे थे। इसके बाद मैं थोड़ा सा मैं तुमको यहाँ पर बता दूं, हिपेरियन बीच की एक लाइन भी एक शाखा थी हिपेरियन की, जिसको पोनी कहा जाता था, पोनी यानी छोटा घोड़ा। ठीक है, ये छोटा घोड़ा था और ये घोड़ा जो था ये नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में ये 23 लाख साल पहले आ गया था। 23 लाख साल से 8 लाख साल पहले ये आ गया था। ये जंगल में ना रह करके ये कहाँ था, ग्रासी जो प्लेन थे यानी घास के जो मैदान थे उन मैदानों में, ये जो यहाँ के अमेरिका के प्रेरीज और अफ्रीका के स्टेपीज जो घास के मैदान थे वहां पर ये पाए जा रहे थे। ठीक है, ये अभी वर्तमान जो घोड़े हैं लगभग उन्हीं के जैसे दिखाई देते थे। ठीक है, इनकी हाइट जो थी वो काफी मतलब 1.4 मीटर यानी लगभग कितना हो गया था, ये 1.25 मीटर के आसपास के, यानी लगभग 5 मीटर 4.5 मीटर के आसपास के ये घोड़े थे। ठीक है, हाइट जो नापी जाती है वो देखो, हाइट यहाँ से ये यहाँ से यहाँ की नापी जाती है, समझे, अगले पैर में यहाँ से यहाँ, कभी भी हाइट यहाँ सिर से नहीं नापी जाती, हाइट नापी जाती उसके शोल्डर से पैर तक की जो हाइट होती है उसको नापी जाती है। ठीक है, ये हिपेरियन था, इसको पोनी कहा जाता था। ठीक है, इसके पश्चात ये आता, एक नेक्स्ट आता है प्लियोहिप्पस। प्लियोहिप्पस जो था इसके ये मिडिल मियोसिन में 12 लाख साल पहले, देखो अब समय देखो कैसे थोड़ा सा पास आता जा रहा है, 12 लाख साल पहले था। ठीक है, ये कैलिपस नाम की जगह से था, इक्वस जैसा दिखता था और इसमें एक और एक खास बात इसकी ये थी कि इसमें दो एक्स्ट्रा हमको लॉन्ग, मतलब वो थी लॉन्ग जो दो एक्स्ट्रा टोस दिखाई दे रही थी। ठीक है, और ये स्टेपी जो वो है, जो स्टेपी जो घास के मैदान थे वहां पर ये पाया जाता था। वर्तमान के जो घोड़े हैं इनसे लगभग ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता घोड़ा था ये। ठीक है, इसके और कैरेक्टर हम देखते हैं,
इसके जो वो था टीथ जो इसके थे स्ट्रॉन्गली कर्व थे, ठीक है, और ये ज्यादा सीधे नहीं थे। अभी जो वर्तमान घोड़े हैं इनके टीथ ज्यादा सीधे होते हैं, लेकिन इनके जो थे वो काफी कर्वी इनके वो थे। इसके एक इनकी जो जो प्लियोहिपस थे ये लगभग 1.15 मीटर, यानी पहले वाले जो घोड़े थे हिपेरियन से थोड़े छोटे थे, लेकिन ये लगभग 1.25 मीटर हाइट के हो गए थे, ठीक है। और ये पूरी तरह से क्या थे, ग्रेजर हो गए थे। देखें यहाँ पर इसको हम, इनमें एक यहाँ पर पाई जा रही है छोटी टो पाई जा रही है, ठीक है, प्लियोहिपस। इनकी हाइट जो थी 1.25 यानी 1.25 मीटर के आसपास थी, ठीक है। ये हमको दिखाई देता है किसमें, प्लियोहिपस। इसके बाद आता है डायनोहिपस, टेरिबल हॉर्स। ये काफी मतलब एडवांस हॉर्स था, और ये नेब्रास्का में 1981 में इसका नेब्रास्का में इसका फॉसिल मिला। ट्राइडेक्टाइल था, यानी तीन उंगलियां थी इसमें, ठीक है। ये मायोसिन पीरियड में लगभग 10 लाख से 3.5 लाख साल पहले ये पाया गया था, ठीक है। कब से इसका समय काल क्या है, 10 लाख साल से 3.5 लाख साल, ठीक है। ये पाया गया था कहाँ, 1981 में नॉर्थ अमेरिका के नेब्रास्का में। देखो ये था डायनोहिपस, नाम इसका इसलिए रखा गया था डायनोहिपस। ये इसके टेंडन जो थे वो काफी मजबूत थे, और ये ऐसा मतलब हार्स था जो डायनोहिपस, ऐसा मतलब डायनोहिपस जो था ये कह सकते हो कि इनके बीच की कड़ी थी इसके, इससे पहले वाला जो लियोहिपस और इक्वस के बीच की कड़ी थी, ठीक है। इसके बाद आता है हिपेरियन, हिपेरियन देख चुके थे हम। फिर आता है वर्तमान का, डायनोहिपस के बाद सीधा वर्तमान का आता है इक्वस। इक्वस जो है ये मॉडर्न हार्स है जो वर्तमान में पाया जा रहा है। ये प्लियोसिन, लास्ट प्लियोसिन में और अभी वर्तमान प्लिस्टोसिन युग में ये विकसित हुआ। हाइट इसकी लगभग 60 इंच हो गई थी, 60 इंच यानी लगभग 5 फीट की हाइट हो गई थी, ठीक है। पहली और पांचवी डिजिट पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। सेकेंड और फोर्थ जो थी वो केवल स्प्लिट के रूप में थी। इसके बॉडी का पूरा वेट जो था वो थर्ड डिजिट के ऊपर था, ठीक है। इसका जो हूफ जो था, यानी इसके जो खुर जो थे पैर के, वो खुर बहुत क्या हो गए थे, ये बहुत डेवलप हो चुके थे, ठीक है। इसके मोलर जो टीथ है, मोलर टीथ के यानी लास्ट जो टीथ है, ये इसमें जो उसके जो रिजेस हैं, यानी उसके जो क्राउन है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था, और ये जो कड़ी घास थी उसको खाने के लिए ये काफी एडाप्टेड था। सेरेब्रल हेमिस्फीयर इसका काफी विकसित था, बहुत विकसित था, ये बहुत इंटेलिजेंट हॉर्स था। बाद में इसीलिए इंटेलिजेंट होने के कारण ही क्या हुआ कि इसको मनुष्य ने अपना अपनी सवारी बनाया और युद्ध के मैदानों में इसका उपयोग किया, ठीक है। तो अब एक और विशेष बात ये थी कि नॉर्थ अमेरिका से ये पूरी तरह से समाप्त हो गया, नॉर्थ अमेरिका में ये बिल्कुल नहीं पाया जाता था। यहाँ हम देखते हैं इसके ब्रेन का, देखते हैं कि जो 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 वो था हायरेकोथेरियम, मिजोहिपस और इक्वस, ये तीन हम हार देखते हैं। मिजोहिपस को हायरेकोथेरियम ने हमने डॉन हॉर्स कहा था, मिजोहिपस को हमने मिडिल हॉर्स कहा था, और इक्वस जो है वर्तमान हॉर्स था। इन तीनों को हम अगर स्टैंडर्ड हम एक मान के देखें तो इनका जो ब्रेन था, ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन का जो आकार था उसको कंपेरेटिव हम देखते हैं तो हमको इस प्रकार से इतना हमको ये दिखाई देता है, ठीक है। देखो इस प्रकार से घोड़े जो है, इस प्रकार से हायरेकोथेरियम से मिजोहिपस, मेरिकिपस, प्लियोहिपस और इक्वस, इस प्रकार से ये विकसित हुए। अब इनकी जो फाइलोजेनी थी, इनका लीनियज जो था वो हम देखते हैं। ईओसिन 55, एक शॉर्ट में बिल्कुल इसको समराइज करते हैं। ईओसिन 55 मिलियन ईयर यानी 5 करोड़ 50 लाख साल पहले हायरेकोथेरियम और ईओहिपस यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका। क्या ये था प्रोपियोथेरियम, आगे प्लियोथेरियम, और ये लाइन यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये अब दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है ओरोहिपस, ध्यान देना,
जिसमें जितने भी रेड वाले हैं ये आगे चल करके ये मॉडिफाइड होकर के दूसरे इसमें इवोल्यूशन हुआ, जहां पर दूसरी जो लाइनें हैं नीली वाली हैं वो आगे जाके समाप्त हो जा रही है, ध्यान देना। हायरेकोथीरियम से जो ओरोहिप्पस था ये लगभग 50 मिलियन साल पहले था, 45 मिलियन साल इसका इवोल्यूशन हिप्पस के रूप में हुआ, और 40 से 35 मिलियन साल पहले ये मियोहिप्पस के रूप में ये मायोसीन पीरियड में दिखाई दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो मियोहिप्पस था 35 मिलियन साल पहले, इसी समय मीजोहिप्पस जो था, यहाँ देख लें, ये देखो ये जो मीजोहिप्पस था 35 मिलियन साल पहले और दूसरा था मायोहिप्पस, ये दोनों कंटेम्प्रेरी दोनों और थे। अब इनको हम देखते हैं, ये दोनों की कंडीशन देखो क्या हुआ, जो मियोहिप्पस था वो पैराहिप्पस के रूप में विकसित हुआ 25 मिलियन साल पहले, और मीजोहिप्पस जो था वो आर्किथीरियम के रूप में विकसित हुआ। आर्किथीरियम से जो दो लाइनें निकली, एक मेगाहिप्पस आर्किहिप्पस, आर्किहिप्पस निकल करके हाइपोहिप्पस के रूप में समाप्त हो गई, और मेगाहिप्पस 17 मिलियन साल मतलब यानी 17 मिलियन यानी 1,70,00,000 साल पहले मेगाहिप्पस समाप्त हो गया। पैराहिप्पस से जो दो लाइनें निकली मेरिकिप्पस और हिप्पेरियन की, तो मेरिकिप्पस जो था उससे वो तो आगे बढ़ा, लेकिन हिप्पेरियन जो था जिसके बारे में बीच में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, जिसको अपने पोनी हॉर्स कहा था, ये आगे चल के हिप्पेरियन जो था वो लगभग 40,00,000 साल पहले ये समाप्त हो गया, ये विलुप्त हो गया, खत्म हो गया ये। लेकिन इधर मेरिकिप्पस जो था 1,70,00,000 साल पहले, ये मेरिकिप्पस ये 12 मिलियन ईयर यानी कि 1,20,00,000 साल पहले प्लियोहिप्पस के रूप में विकसित हुआ प्लियोसीन काल में। इसकी एक शाखा निकली वर्तमान में इक्वस के रूप में, तो और इसकी दूसरी शाखा निकली नॉर्थ अमेरिका में इक्वस के रूप में, ठीक है। तीसरी जो हिपेडियन जो या डायनोहिप्पस जिसको हमने बड़ा वाला घोड़ा कहा था, ठीक है ना, वो जो घोड़ा था ये वाला देखो, ये था डायनोहिप्पस कैरिबल हॉर्स, है ना, ये डायनोहिप्पस जो था, ये डायनोहिप्पस लगभग 40,00,000 साल पहले ये समाप्त हो गया। इसके बाद लगभग 40,00,000 साल पहले साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ओल्ड वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया है एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इसको बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड और ये है न्यू वर्ल्ड। तो इनमें से प्लियोहिप्पस की जो शाखा इक्वस के रूप में ओल्ड वर्ल्ड में यानी अफ्रीका, एशिया और मतलब यूरोप और एशिया में जो आ गई थी, ये इक्वस के रूप में यहाँ पर विकसित हो गई। लेकिन वहीं पर जो ये जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में जो इक्वस डेवलप हुए थे, वो इक्वस यहाँ पर क्या हो गए, समाप्त हो गए, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, यहाँ पर वर्तमान में यानी लगभग 500-600 साल पहले घोड़े नहीं पाए जाते थे। घोड़े की जो क्रेडल था यानी घोड़े का जो झूलाघर था, जहाँ घोड़े का विकास प्रारंभ हुआ था, वो क्या था, साउथ और नॉर्थ अमेरिका। लेकिन बाद में जा करके वहां से न्यू वर्ल्ड से घोड़े पूरी तरह से समाप्त हो गए। लेकिन घोड़े बच गए कहाँ, ओल्ड वर्ल्ड में यानी यूरोप और एशिया में, यूरेशिया में घोड़े बच गए, जो कि बाद में जब मनुष्य डोमेस्टिकेशन करने लगा तो क्या हुआ, घोड़े को पहले तो भोजन के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये जानवर जो है काफी इंटेलिजेंट है, मजबूत है, काफी तेज दौड़ सकता है, तो उसने सवारी के रूप में उपयोग किया। और जब आपस में लड़ाई होने लगी तो फिर घोड़े जो थे वो लड़ाई के एक बहुत अच्छे साधन के रूप में इस्तेमाल होने लगे, और आज भी फौज में घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो था, वहां पर धीरे धीरे क्या हुआ कि घोड़े जो थे वो समाप्त होते चले गए। उसका जो बहुत बड़ा कारण था कि जब वहां पर मानव सभ्यता विकसित हुई, मानव सभ्यता विकसित होने के साथ क्या हुआ कि वो जो सभ्यता जो थी उस समय जब हम लोग यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस और उसके बाद फिर बाद में जो वो थे क्रोमैग्नन वगैरह जब विकसित हुए, तो वो लोग सिविलाइज्ड नहीं हुए थे, वो तो वो लोग भोजन के रूप में इसको इतना भोजन के रूप में इस्तेमाल किए कि अल्टीमेटली कि मानव के विकास के साथ, विकास होने के साथ साथ घोड़े जो थे वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए। जैसे कि भारत में चीता विलुप्त हो गया है, अब अफ्रीका में डोडो विलुप्त हो गया है, उसी प्रकार से नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, अमेरिका में जो था वो घोड़े जो थे वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए, ठीक है।
बाद में जब ये लोग यहाँ से कोलंबस वगैरह जो थे, यानी अमेरिका, वो कोलंबस, अमेरिका, अमेरिको वेस्पुसी वगैरह जो थे, ये लोग जब अमेरिका पहुंचे तो अपने साथ शिप में ये घोड़े लेके गए, और फिर वो घोड़े वहां पर जो थे, वहां पर उन्होंने घोड़ों का प्रजनन वगैरह करवा दिया, वहां पर घोड़ों को एक, फिर वहां पर घोड़े जो वर्तमान में पाए जा रहे हैं, ये यूरोपियंस के द्वारा ले जाए गए, फिरवी 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोपियंस के द्वारा ले जाए गए घोड़े थे। तो वर्तमान में घोड़े जो है वो अभी आधुनिक यूरेशिया से ले जाए हुए घोड़े थे, नेचुरल जो वहाँ की जो घोड़े थे वो वहां पर समाप्त हो गए। ठीक है, तो ये हुआ आपका इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स।